नमस्कार, मैं हूं कविता। हेल्दी क्रेविंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूं गोभी आलू की बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली ऐसी सब्जी, जिसमें हम ना तो गोभी आलू को फ्राई करेंगे और ना ही इसमें हम लहसुन प्याज का यूज़ करेंगे। उसके बाद भी ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी और आपके घर में सभी को बेहद पसंद आएगी। इस सब्जी को बनाने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है और ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। आपकी सब्जी भी एकदम परफेक्ट और बढ़िया बने, उसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। मैं सभी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले गोभी आलू की सब्जी में यूज़ होने वाली सभी चीज़ों को देख लेते हैं। ये फूल गोभी लिया है मैंने आधा किलो और देखिए इसके थोड़े से इसको बड़े साइज़ में काट लिया है। आप चाहें तो इसे और भी बड़ा साइज़ रख सकते हैं, मैंने ये मीडियम साइज़ किया है। आधा कप मटर और ये तीन मीडियम साइज़ के आलू, जिनको देखिए इस तरह से कट कर लिया है। एक टमाटर को बारीक काट लिया है, दो हरी मिर्ची, अदरक और बारीक कटा हुआ धनिया। इसके अलावा ये नॉर्मल घर में यूज़ होने वाले मसाले और ऑयल लेंगे। आप सब्जी को फ्राई कर लेते हैं तो उसके लिए लेंगे हम कोई भी कढ़ाई या फिर पैन और फ्लेम को रखेंगे हम मीडियम से हाई और इसमें डाल देंगे करीबन 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा तड़क गया है, अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और ये ग्रेट की हुई अदरक करीबन 1 टेबल स्पून। अब इसे हम करीबन आधे मिनट के लिए इस तरीके से इसमें भून लेंगे, जिससे कि इन दोनों का कच्चापन निकल जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून ही डाल रही हूँ मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर। आप मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ी सी कम भी डाल सकते हैं। अब मसाले को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर ये गोभी। गोभी को अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है, तो मैंने इसको 2 बार पानी में अच्छे से वॉश कर लिया था। 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को भी काट कर एक बार वॉश कर लिया है। साथ ही ऐड कर देंगे इसमें आधा कप फ्रेश मटर। मटर की क्वांटिटी भी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही ऐड करेंगे इसमें नमक। नमक डाल रही हूँ मैं इसमें 2 टीस्पून। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर हम करीबन आधा कप पानी, जिससे कि सब्जी को कुक होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब इसे भी इसमें अच्छे से मिला देंगे और सब सब्जियों को देखिए इस तरीके से बीच में हम सेट कर देंगे और इसे अब ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए अभी कुक होने देंगे। बीच में एक बार चेक करेंगे। अभी सब्जी को कुक होते हुए करीबन 3 मिनट हुए हैं। देखिए सब्जी को एक बार अच्छे से ऊपर नीचे कर दिया है। अब इसे दोबारा से ढक देंगे और इसे कुक होने देंगे। अब यहाँ पर सब्जी को कुक होते हुए करीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब एक बार फिर से इसको चला देंगे और चेक करेंगे। देखिए आलू ये सीज गए हैं और ये गोभी भी कुक हो गई है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। इससे गोभी की सब्जी में टेस्ट और कलर दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। और यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ मसाले। 2 टीस्पून डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। गोभी की सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट देने के लिए डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून कुटी हुई सौंफ। थोड़ा सा डाल देंगे गरम मसाला, मैंने इसमें खड़ा गरम मसाला नहीं डाला है। और 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें अमचूर पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। देखिए आप मटर की वजह से सब्जी कितनी कलरफुल लग रही है और इससे इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अभी सभी मसाले मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पर ढक कर सिर्फ 1/2 से 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे, जिससे कि सभी मसालों का इसमें टेस्ट जम जाएगा। 1 मिनट के बाद इसे फिर चेक करेंगे। देखिए आप सब्जी का कलर और टेक्सचर दोनों ही बहुत अच्छे आए हैं। अब इसमें लास्ट में डाल देंगे हम ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
और यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि अब सब्जी जो है हमारी रेडी हो गई है। धनिया को भी इसमें अच्छे से मिला लेंगे। लीजिए, गोभी आलू मटर की सब्जी तैयार है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। ये सब्जी गर्मा गर्म फुलके, पराठे, नान, राइस आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और गोभी की सब्जी को आप टिफ़िन बॉक्स में भी रख सकते हैं। और ये सब्जी अगर बच जाए तो आप इस सब्जी के सैंडविचेस बना सकते हैं। इसके सैंडविचेस भी बहुत अच्छे लगते हैं, साथ ही इसके स्टफ पराठे भी बनाए जा सकते हैं, वो भी खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। लीजिए, गर्मा गर्म गोभी आलू की सब्जी तैयार है। अब इसे आप जल्दी से बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। आप सभी को मेरी आज की गोभी आलू मटर की बहुत ही सिंपल से बनने वाली सब्जी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।